नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे, आज 17 जुलाई से राजा की तरह ज़िंदगी बिताएंगे, सिर्फ ये 5 राशि के लोग। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ग्रह हमेशा अपनी राशि परिवर्तन करते रहते हैं और ग्रहों के राशि परिवर्तन का असर हमारे जीवन पर भी देखने को मिलता है। यदि हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति यदि शुभ हो तो हमें अपने जीवन में अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, लेकिन यदि हमारे कुंडली में ग्रहों की स्थिति अशुभ हो तो हमें अपने जीवन में परेशानियां और दुख झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, इसी संदर्भ में आपको बता दें कि ज्योतिष में शुक्र ग्रह को धन ऐश्वर्य और सौंदर्य का कारक ग्रह माना जाता है। वैवाहिक जीवन में सुख भी एक यानी कि शुक्र ग्रह का स्थान है, यानी कि वैवाहिक जीवन में जो सुख प्रदान करते हैं उसमें शुक्र ग्रह का ही योगदान रहता है और इन्हीं के कारक भी माने जाते हैं। मीन शुक्र ग्रह की उच्च राशि मानी जाती है और कन्या राशि शुक्र ग्रह की नीच राशि मानी जाती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन आज 17 जुलाई को होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आज 17 जुलाई के दिन शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। बता दें कि शुक्र ग्रह आज 17 जुलाई को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और यह राशि परिवर्तन सुबह 9:13 पर होगा और 11 अगस्त तक शुक्र इसी स्थिति में रहेंगे। और दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार शुक्र ग्रह रूप सौंदर्य सौभाग्य विवाह प्रेम और कामुकता का वाहन का कला का कारक ग्रह माने जाते हैं। क्रिएटिव चीज़ें जैसे कि मीडिया एक्टिव फील्ड डांसिंग सिंगिंग का कारक शुक्र ग्रह भी होता है। चूंकि दोस्तों शुक्र ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं तो इसका कुछ विशेष राशियों पर असर देखने को मिलेगा। और दोस्तों, खास बात तो यह है कि शुक्र का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वह आज शनिवार के दिन होने जा रहा है। और दोस्तों, शुक्र और शनि का आपस में मित्र ग्रह कहलाए जाते हैं, आपस में संबंध बढ़िया है। ऐसे में दोस्तों, इनमें से कुछ राशियों के ऊपर ऐसी हैं जिन पर अब भगवान शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज शनिवार का भी दिन है और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन भी हो रहा है। तो आज शनिवार के दिन होने के कारण शनिदेव कुछ राशियों के ऊपर बेहद प्रसन्न हो चुके हैं। तो आखिर दोस्तों, ये राशियाँ कौन कौन सी हैं और इनको क्या क्या लाभ मिलने जा रहा है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और इसे अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली जो राशि आती है वो है यहाँ पर दोस्तों मेष राशि। मेष राशि के जातकों, आपको बता दें कि आज शनिवार का दिन और शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और शनिवार जैसा कि आप जानते हैं कि शनिदेव को समर्पित है, इसलिए शनिदेव आज मेष राशि के जातकों के ऊपर बहुत बेहद प्रसन्न हो चुके हैं। अब आपके जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ होंगे, राजाओं जैसे सुख सुविधाएँ प्राप्त होती नजर आएगी। इसलिए तो कहा है पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे, क्योंकि आज 17 जुलाई से राजाओं जैसी ज़िंदगी बिताएंगे आप लोग, तो आपको अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करेंगे। जीवन में अभी तक जो समस्याएं चल रही थी उन समस्याओं से मुक्ति मिलती नजर आएगी, अनेकों प्रकार के लाभ मिलेंगे। और अगर किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्ट आपका रुका हुआ था या कहीं फंसा हुआ था उससे आपको बाहर निकलने में मदद मिलती नजर आएगी। यकीनन आप अपने अंदर की काबिलियत को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। आपकी प्रतिभा का लोहा लोग मानते नजर आएंगे, आप अपने प्रतिभा के दम पर लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। दूसरी जो राशि आती है दोस्तों, बता दें वो है यहाँ पर मकर राशि। मकर राशि के जातकों, आपको बता दें कि आज शुक्र का राशि परिवर्तन और शनिवार का दिन पड़ने के कारण अब आपके जीवन में भी शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि बनी रहेगी। शनिदेव अब आपके ऊपर अनेकों प्रकार के लाभ देने वाले हैं, चाहे करियर से संबंधित हो या फिर बिजनेस व्यापार से संबंधित हो या फिर आपको संतान प्राप्ति के रूप में बड़ी चाहत या ख्वाहिशें आपकी पूरी होने वाली है। और आप अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सफलताएं प्राप्त करते नजर आएंगे, अनेकों प्रकार के आप कामयाबी प्राप्त करेंगे। शिक्षक विभाग में लाभ होगा, विद्यार्थियों के लिए काफ़ी उत्तम लाभ लेने वाले हैं और बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बता दें दोस्तों कि आप बिजनेस व्यापार में कई तरह के लाभ लेते नजर आएंगे। अब जो तीसरी राशि है दोस्तों वो है यहाँ पर मीन राशि। मीन राशि की जातकों, आपको बता दें कि आज शनिवार के दिन पड़ने के कारण बेहद ही आपके लिए शुभ दिन कहलाया जाएगा
और आज से आपको अनेकों प्रकार की सुख सुविधाएं राजाओं जैसी मिलने वाली हैं। आपके करियर में उच्च पद की प्राप्ति प्रमोशन के योग बनेंगे, तो वहीं आपके सैलरी अगर आपकी रुकी हुई थी तो सैलरी भी प्राप्त होती नजर आएगी। उच्च अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बेहतर संबंध देखने को जरूर मिलेंगे। आपके द्वारा लिए गए निर्णय काफ़ी काबिले तारीफ होंगे। जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलती नजर आएगी। प्रत्येक कार्य क्षेत्र में आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलताएं आपको शत प्रतिशत मिलती नजर आएगी। अगली यानी कि जो राशि है चौथी, वो है दोस्तों यहाँ पर कन्या राशि। कन्या राशि के तहत को आपको बता दें कि अब आज भगवान शनिदेव आपके ऊपर बेहद प्रसन्न हो चुके हैं, क्योंकि कुछ ऐसे परिवर्तन और कुछ ऐसे राजयोग और धनयोग बनने के कारण आप भी इन राशियों में से सबसे लकी राशि रहने वाले हैं। इसलिए कन्या राशि के तहत को अब आपकी सोई हुई किस्मत, बंद किस्मत के ताले खुलने वाले हैं। अब आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। संतान की कामयाबी आपके लिए पहली प्राथमिकता होगी और जीवनसाथी के साथ खुशनुमा माहौल बिताते नजर आएंगे। घर में आपके कोई धार्मिक कार्यों का आयोजन हो सकता है, साथ ही साथ कथा वार्ता हो सकता है। घर परिवार में खुशियों का वातावरण भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इस समय प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम जीवन में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, एक दूसरे का सपोर्ट मिल रहा है, एक दूसरे के साथ काफ़ी खूबसूरत वक्त बिताते नजर आएंगे। तो कन्या राशि के तहत आपका दिन काफ़ी उत्तम और सराहनीय रहने वाला है। अब जो पाँचवीं राशि और अंतिम राशि है दोस्तों, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तहत आपको बता दें कि आज ग्रहों के राशि परिवर्तन के चलते, राजयोग और धनयोग बनने के चलते और शनिवार का दिन पड़ने के कारण अब मिथुन राशि के जातकों आपकी भी किस्मत अब चमकने वाली है। अब आपके ऊपर भगवान शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि रहेगी। अब आपको राजाओं जैसी सुख सुविधाएं प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। गाड़ी वाहन का सुख प्राप्त करेंगे। नए घर का सपना देख रहे थे तो वो भी आपकी पूरी इच्छाएँ होंगी। नए घर की खरीदारी या फिर आप जैसे कि नए घर की शुरुआत कर सकते हैं, नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आपके लिए काफ़ी बेहतर साबित हो सकती है। यहाँ पर देखा जाए तो आप अनेकों प्रकार के लाभ के साथ साथ सामाजिक सेवी भी बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीतिक क्षेत्र में आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्पी हो सकती है। जो भी कार्य करेंगे काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य होगा। आपके द्वारा लिया गया निर्णय काफ़ी सराहनीय साबित होगा। जो भी कार्य करेंगे सोच विचार कर करें तो आने वाला समय आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अनेकों प्रकार के लाभ आपको मिलने वाले हैं, अनेकों प्रकार के कामयाबी आपको मिल सकती है। जिस भी कार्य क्षेत्र में आप हाथ डालेंगे उसमें आपको शत प्रतिशत कामयाबी मिलेगी। स्वास्थ्य का उत्तम लाभ ले पाएंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपकी दूर होंगी। साथ ही साथ आप विदेश की यात्राएं कर सकते हैं, यात्राओं से आपको लाभ हो सकता है और लॉटरी सट्टा से जबरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। तो वहीं रुका व फंसा हुआ धन भी प्राप्त होगा। साझेदारी में किया गया बिजनेस व्यापार भी आपको अनेकों प्रकार के धन लाभ भी दिलाएगा। खूब सारा धन लाभ आप लोगों को मिल सकता है। तो दोस्तों ये पांच राशियां ऐसी हैं कि जिनकी किस्मत आज यानी कि 17 जुलाई से चमकने वाली है, शनिदेव की विशेष कृपा दृष्टि पड़ने वाली है। इसीलिए तो कहा है पैसे गिनते गिनते थक जाएंगे। आज 17 जुलाई से राजा की तरह ज़िंदगी बिताएंगे सिर्फ ये पांच राशि के लोग। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें और दोस्तों शेयर करना इसलिए भी ना भूलिए क्योंकि दोस्तों को भी शेयर करेंगे तो सबको जानकारी समय पर मिलेगी। और चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। जय शनिदेव।